नगर पालिका में आज स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सफाई कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने एक बैठक आयोजित की। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पूरे नीमच शहर के अंदर वाहनों के माध्यम से गीला व सूखा कचरा इकट्ठा किया जाता है, जिसको लेकर हमने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें गीला और सूखा कचरा कॉलोनी मोहल्ले व दुकानदारों को कचरा अलग अलग रखना होगा और जब कचरे की गाड़ी आएगी तो दोनों ही कचरा अलग अलग डालना होगा। पूरे अक्टूबर माह तक हम लोगों को समझाएंगे कि गीला और सूखा कचरा गाड़ी में अलग अलग डालें। अगर एक महीने के बाद कोई भी रहवासी या दुकानदार गीला व सूखा कचरा अलग अलग नहीं डालता है तो हमारे द्वारा उसके ऊपर 250 रुपए की पेनल्टी की जाएगी। वहीं क्योंकि गीला व सूखा कचरा खाद्य के काम आता है, जिसको लेकर 1 अक्टूबर से अभियान चलेगा और अगर लोग नहीं समझे फिर 1 महीने बाद से पेनल्टी अभियान शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान 2 के अंतर्गत गीला और सूखा कचरा ऑनसाइट सेग्रीगेशन करने के लिए रेक पिकर से उन रेक पिकर सबको बुलाया है कि आप जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं जो गाड़ी पे बैठे हैं और गाड़ी पे ही भी ऑनसाइट सेग्रीगेशन का काम करें, इसलिए आज इनकी मीटिंग ली और इनसे बात की गई कि जितने भी पुरुष लोग हैं रेक पिकर से वो गाड़ी के साथ काम करें और जितनी महिलाएँ हैं वो टेंची ग्राउंड पर बैठ कर अपना जो कचरा आता है उसमें से सेग्रीगेशन करें। इसी चर्चा के लिए इनको बुलाया है और इसी में इनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि क्या ऑनसाइट सेग्रीगेशन हो जाएगा और हमारा ये प्लान है कि हर घर वालों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग देना पड़ेगा और अगर वो नहीं देते तो फिर हम उनके ऊपर पेनल्टी की कार्रवाई करेंगे। 1 महीना तो उनको समझाई देंगे कि वो गीला सूखा कचरा अलग अलग लगा के दें। अक्टूबर माह के बाद यदि कोई हाउस होल्ड से एक ही डस्टबिन में सभी प्रकार का कचरा आता है, गीला है, सूखा कचरा है, हेजार्ड वेस्ट है, सैनिटरी वेस्ट है, तो फिर हम उनके ऊपर 200 रुपये की पेनल्टी फाइन करेंगे। तो इसलिए उनको 1 महीने समझाने की कार्रवाई के लिए रेक पिकर्स को लगा रहे हैं ताकि वो उनको बता सकते हैं कि कल से गीला अलग लाना, सूखा कचरा अलग लाना, हेजार्ड वेस्ट अलग लाना और सैनिटरी वेस्ट अलग लाना। गाड़ी के ऊपर 4 प्रकार के डस्टबिन लगे हुए हैं, उन्हीं डस्टबिनों में उपयोग करें और उन्हीं में डालें। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।